अब मुझसे और नहीं किया जाता मन्नू। पहले पहले तो सब पता रहता था, पूरी खबर भी रखती थी। अब अगर हमेशा ही कोई बाहर रहे तो कोई उसकी क्या खबर रखेगा बोलो। अब तो बस ऑफिस में ही मेल आ जाया करता है और सेक्रेटरी सब बता देती है। बहुत टूर करते हैं तुम्हारे पति? दो बड़े बड़े सूटकेस चक्के वाले, कपड़े, तौलिए, ब्रश, शेविंग का सामान, टॉयलेट का किट, सबके दो दो सेट अलग अलग। वो एक लेकर आते हैं, कपड़े ड्राई क्लीन के लिए चले जाते हैं और वो दूसरा लेकर निकल जाते हैं। और जब तक वो वापस आते हैं पहले वाला सेट धुलकर तैयार रहता है। तुम नहीं जाती उनके साथ? मैं कहाँ जाऊँ, ये कोई छुट्टी थोड़ी ना है, आज यहाँ तो कल कहीं और। मुझे घूमना घामना नहीं होता, मैं तो घर पर ही खुश हूँ। वैसे भी घर का ख्याल रखने के लिए किसी को तो रहना चाहिए ना। सिर्फ पहरेदारी करने के लिए तुम घर पे बैठी रहती हो? लड़की होते तो जानते मन्नू, वैसे भी मुझे घूमना पसंद नहीं। अब वो तो दिन भर मीटिंग करेंगे, मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मतलब? घूमना फिरना, दुनिया देखना। घूमना मतलब क्या? वो बड़ी बड़ी दुकानों के सामने वो क्या कहते हैं उसे, वो विंडो शॉपिंग। हाँ हाँ वही। और मैं अकेले अकेले कहाँ घूमूंगी मन्नू? और देखो ना, ठीक से अंग्रेजी भी नहीं बोल पाती। वो तो तुम एक दो बार जाने से ही सीख जाओगी। वैसे भी वो सिर्फ 24 घंटे मीटिंग थोड़ी ना करते होंगे, और भी तो वक्त मिलता होगा उन्हें। नहीं, वो तो बोलते ही हैं, शुरू में जब भी जाते थे कहते थे चलो मेरे साथ। फिर क्या, अभी तो अप्रैल में लंदन गए थे, कह रहे थे फ्राइडे तक मीटिंग है, तब तक तुम वहाँ आ जाओ, वीकेंड साथ में ही मनाएंगे। और तुम कहीं नहीं? क्यों, खर्च की वजह से? नहीं नहीं, पैसा तो कंपनी देगी, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने का यही तो फायदा है मन्नू, साल में एक बार विद फैमिली। फिर तुम गई क्यों नहीं? ना बाबा, इतना बड़ा प्लेन, इतना लंबा सफर। अरे लोग तो लंदन जाने के लिए मरते हैं और यहाँ तुम डर रही हो? अब हर बात मैं सबको तो नहीं बता पाती ना मनु, तुम्हें बता रही हूँ, बहुत डर लगता है। सोचो इतना लंबा सफर, प्लेन में बाथरूम लग जाए तो प्लेन के बाथरूम इतने साफ होते हैं, ट्रेन की तरह थोड़ी, फिल्मों में नहीं देखती? गंदे वंदे की बात नहीं है, अंदर से कड़ी नहीं खुली और अटक गई तो कैसे किसी को बुला पाऊंगी मैं, इतनी अंग्रेजी भी तो नहीं आती ना। तो तुम लंदन इसलिए नहीं जाती क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम प्लेन के बाथरूम में फंस जाओगी? तुम बिल्कुल नहीं बदली नीरू। अच्छा होना नहीं बदली, सोचो अगर सचमुच बदल जाती तो, तुम्हें पहचाने से इनकार करती तो। एक पल के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा जब मैं बाहर खड़ा था। अरे बाबा नहीं, दरवाजा खोलने से पहले पता लगाना जरूरी होता है। तुम्हें पता है कलकत्ते में क्या क्या होता है, दिन दहाड़े खून हो जाते हैं, डकैती हो जाती है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम। मैं खोलूं? नहीं नहीं। क्यों? क्या पता कौन है, ऐसे थोड़ी ना दरवाजा खोल सकते हो। मैं हूं ना। प्लीज मन्नू मत खोलो। लेकिन क्यों? मैं कहती हूँ ना मत खोलो। ये क्या पागलपन है नीरू, मैंने कहा ना मैं। तुम हो इसीलिए तो। मैं समझा नहीं। वैसे मेरे पति बहुत अच्छे हैं मन्नू, बस मुझे किसी और मर्द के साथ देख ले तो, फिर वो कोई दोस्त हो, पड़ोसी हो या रिश्तेदार, मजाले में किसी को घर पे एक कप चाय के लिए भी बुला लो। पागल मैं नहीं हूं मन्नू। लेकिन तुम्हारे पति तो जापान में, पहले तो कोई और बचा रहा होगा। हाँ तो वो आएगा, तुम्हें मेरे साथ देखेगा और खबर उन तक पहुंच जाएगी कि मैं तुम्हारे साथ अकेले दोपहर में। ऐसा कुछ नहीं होगा नीरू,
कोई बेचारा भीग रहा होगा। ठीक है तो जा, खोल दो दरवाजा, जिसको देखना है देख ले। तुम्हें क्या, तुम मेरा घर ही बर्बाद करने आए हो ना, फिर मुझे मारे पीटे बाथरूम में बंद कर। तुम तो नहीं आओगे ना मुझे बचाने के लिए। अब रुके क्यों हो, जाओ खोल दो। मथुरा नगर पति का है तुमको भूल जा, मथुरा नगर पति का है तुमको